अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों के दिल से, राम राम। सर से लेके पांव तक जोर लगा लेना, सर से लेके पांव तक जोर लगा लेना, अगर मेरे खिलाफ साजिश हुई तो अपना भी बीमा करा लेना। और दूसरी चीज आपको कह दूं कि वही रोब है, वही एटीट्यूड है, वही कड़वी जवान है और वही विजय। मिठी बातें लगा के, मीठे मीठे पोचे करके और मोटे मीठे जबान चला के दूसरे एजेंटों की तरह या फिर दूसरे यूट्यूबरों की तरह काम नहीं करना आता भाई मेरे को। जिस तरह पहले था, थोक बजा के, ताल मार के, भाई वही काम चलना है और उसी हिसाब से चलना है। किसी को विश्वास है तो भाई उनका स्वागत है, वेलकम है। जिनको विश्वास नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता। और कमेंट आपके जो आते हैं, दिल छू जाने वाले आते हैं। बहुत से लोग तो शायरियाँ मारते हैं बड़ी गजब की, तो इस बार मैंने सोचा कि आपकी जो शायरी सबसे बेस्ट होगी एटीट्यूड वाली, उसी शायरी के साथ आपका नाम कमेंट करके अगली वीडियो में बोला करूँगा। और कमेंट्स तो करते रहा करें। आज की वीडियो जो स्पेशल है वो टैक्सी के लिए है, टैक्सी ड्राइवर के लिए। काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे लोग, काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे थे कि भाई टैक्सी का, टैक्सी का, टैक्सी का, टैक्सी का, तो हम भाई आप टैक्सी का लिए आए हैं। तो इसमें आपको बता देता हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्यूचर में आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपके जो फ्यूचर में फ़ायदा आप उठाने वाले हैं उससे हमें क्या नुकसान होगा, कंपनी को क्या नुकसान होगा, एक चीज़ तो वो आपके ऊपर है, आप जज कर लीजिएगा कि क्या रास्ता सही रहेगा। हर बंदे को दुबई एक सिर्फ एक वे देखना होता है कि अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी और इधर मुंबई साइड के, तो वो एक वे ढूंढते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन यूरोप तक कैसे चला जाए। तो सबसे जल्द और 90% 100% की तो भाई कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन बहुत से यूट्यूबर हैं जो आजकल 100% की गारंटियां ले रहे हैं यूरोप कंट्रियों की। लेकिन अपना भाई ऐसा सीन नहीं है, मैं दुबई में हूँ तो दुबई की बात करूँगा, ठीक है। तो दुबई के रास्ते 90% चांस हो जाते हैं यूरोप कंट्रियों के। और यूरोप में भाई ज़्यादातर आपको बता दूँ कि ड्राइविंग ही चलती है, ट्रक ड्राइविंग, टैक्सी का ये काम चल रहा होता है। तो उसके बारे में क्लियर करते हैं, यूरोप को भी लेके आऊँगा इसी वीडियो में, और यहाँ तक के कैसे आपका सफ़र रहेगा और आगे कैसे जाना होता है वो भी सब चीज़ें। तो वीडियो विदाउट स्किप करें, ध्यान से सुनिएगा और अभी लाइक कर दीजिएगा यहीं पे, तो मैं तुम्हारी माँ की कसम है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक कुछ समझ आई हो, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है जो कि समझ नहीं जरूरी है, और कमेंट आपके आने चाहिए, ठीक है। अब क्लियर करते हैं टैक्सी को लेकर। टैक्सी में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं हम। एज लिमिट जो है 25 से 40 साल तक है। जो बंदे ड्राइविंग में आना चाहते हैं टैक्सी में, एज लिमिट है 25 से 40। मैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, विदाउट स्किप करें, काटनी नहीं है, ध्यान से सुनिए ताकि आपको हर चीज यही समझ आ जाए और सिर्फ अप्लाई करने का प्रोसेस पूछना हो, ठीक है। तो एज लिमिट है 25 से 40 साल, और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए इंडिया का, पाकिस्तान का। ये जो हायरिंग होगी सिर्फ दो जगह से होगी, इंडिया और पाकिस्तान से स्पेशल, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहेगा, विजिट एम्प्लॉयमेंट रहेगा। भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है कंपनी, हमने पूरा जोर लगा लिया है, बोला कि भाई हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, क्योंकि पहली बार कंपनी के साथ ऐसा हुआ था, कम से कम 25 बंदों का जो बैच था किसी को दिया होगा, तो उन्होंने वीजा लेके उनमें से कम 60% लोग आए नहीं। किसी की फुप्पी बीमार हो गई, किसी की माँ बीमार हो गई, किसी का कोई सीन हो गया, क्योंकि उन्होंने पेमेंट पूरी दी नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने कहा था कुछ पेमेंट लेके प्रोसेस कर दिया था और उसके बाद बची पेमेंट लड़कों को दुबई आके देनी थी, तो उसमें कंपनी का नुकसान हुआ, जिसमें कि कंपनी ने कह दिया भाई विजिट एम्प्लॉयमेंट चाहिए, भले 20 दिन 25 दिन वीजा प्रोसेस में लग जाए हमारे यहाँ के, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ये रहेगा विजिट एम्प्लॉयमेंट। और अभी वीजा की बात करते तो लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं इसमें क्वेश्चन में ताकि तुम्हारे कमेंट्स और क्वेश्चनों का मुझे पता रहे। पहला था क्वेश्चन कि भाई विजिट वीजा 1 मंथ का रहेगा, 3 मंथ का रहेगा। भाई 1 मंथ और 3 मंथ के बंदों का एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अभी वीजा जो स्पेशल निकलता है वो 2 मंथ का निकलता है, ये आपकी नॉलेज के लिए होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट में चेंज होगा वो 2 मंथ का वीजा होता है, तो कंपनी 2 मंथ का वीजा देगी, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें टिकट का, टिकट कंपनी की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से रहेगी, क्योंकि हम उसी हिसाब से पैकेज बना रहे हैं ताकि आपको है ना बार बार इधर उधर धक्के ना खाने पड़े भाई टिकट कितने की है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि टिकट और वीजा हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसी पैकेज में। और दूसरी चीज सैलरी को लेके, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई सैलरी कितने रहेगी। एज का लिमिट, एज लिमिट बता दी आपको, अब सैलरी की बात कर लेते हैं। टैक्सी कंपनी या फिर ड्राइविंग लाइन हो जाए, कोई भी लाइन हो जाए, वो होती है कमीशन बेस, ठीक है। जो लोग यहाँ दुबई में इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी पता होगा भाई रोड पे निकलिएगा,
इंडिया पाकिस्तान के अंदर बैठ के फालतू की बकचोद मारनी आसान होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा, जब आप रोड पे उतर के टैक्सी बुक करते हो तो कितने टाइम में आपको टैक्सी मिलती है। मैं खुद एक दो बार कर चुका हूं ऐसा, और मेरे पास मेरे खुद के एम्प्लॉई हैं जो टैक्सी के थ्रू ऑफिस तक आते हैं, वो खुद बताते हैं, और वो खुद मैंने भी जज किया है कि आजकल ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है तो भी पाँच से दस मिनट लगती है टैक्सी आने में, और कई बार तो टैक्सी वालों को इतना काम होता है कि वो बुकिंग भी कैंसिल मार देते हैं बाद में जब भाई और बुकिंग आ गई है, लंबी बुकिंग आ गई है। तो पैसा अच्छा है, कमीशन बेस है, बेसिक सैलरी जो कंपनी दे रही है वो 800 दिरहम दे रही है। अब कहोगे भाई हेल्पर थोड़ी आ रहे हैं हम, टैक्सी में आ रहे हैं तो 800 में कैसे खर्चा चलेगा? तो भाई कंपनी आपको खर्चा चलाने के लिए या घर भेजने के लिए 800 नहीं दे रही है, कंपनी सिर्फ आपको रहने खाने का 800 दिरहम दे रही है 2 साल तक जो देगी, ठीक है। 800 दिरहम जो है कंपनी कहते हैं भाई हम बेसिक 800 देंगे ताकि अपना लड़का रहना और खाने का इंतजाम कर ले, असली इनकम जो है वो कमीशन है। अब कमीशन कैसे होता है कि आपने 100 रुपए कमाए, 35 से 45% कमीशन होता है। 100 रुपए कमाए तो एक लिमिट होती है कि भाई इतने आपने बुकिंग उठाई है महीने का, एक स्लैब होता है, उस स्लैब के हिसाब से 35% से स्टार्ट होता है कमीशन 45% तक उस स्लैब के हिसाब से। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि 100 रुपए आपने कमाए, स्लैब अगर आपका कम है तो 100 में से 35 आपके, बाकी का 65 बनता होगा, मेरा मैथ कमजोर है, वो कंपनी का। अब कई बार दूसरा क्वेश्चन था एक लड़के का कि भाई अगर हम गाड़ी लेके चल रहे हैं पेट्रोल का खर्चा तो हमारा होता है, लेकिन अगर हम गाड़ी लेके चल रहे हैं और कस्टमर नहीं है तो क्या वो गाड़ी घुमाने का खर्चा हमारा होगा? तो आपको बता दूं वो आपका नहीं होता है। आपका पेट्रोल काउंट कब होता है? जब आपकी गाड़ी के अंदर कस्टमर बैठा है। अगर आप बिना कस्टमर के गाड़ी राउंड मार रहा है तो वो कंपनी का खर्चा होता है। और आपको ऐसा भी नहीं है कि सीओडी अपनी जेब में रखना है तो पेट्रोल पंप पे जाना है तो भाई सीओडी दो, पैसा दोगे तो पेट्रोल भरेगा। कंपनी कार्ड देती है, वो कार्ड स्वैप होता है, कंपनी का अकाउंट से पैसा जाता है, पेट्रोल फुल भरवा सकते हैं आप, जो कि आपका बाद में जब हिसाब बनता है तो उसमें से वो माइनस होता है कमीशन और टारगेट के हिसाब से कितना पेट्रोल कटना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है कि भाई जब हम वहां से विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो हम तो आपके भरोसे हैं, क्या आते हमें कंपनी में काम मिल जाएगा या कंपनी में चले जाएंगे, या हम जब तक लाइसेंस नहीं बनता हमें खर्चा पानी मिलेगा रहने खाने से लेकर इन चीजों का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको विजिट वीजा दिया, टिकट दे दिया, आप फ्लाई करके आ गए एयरपोर्ट से, भाई मैं रिसीव करूंगा, मैं एक एक दो दो बंदों को लेने नहीं आ सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता, वो टीम ही आती है, लेकिन जब मैं ग्रुप उतारता हूँ तो स्पेशल लेने आता हूँ। जैसे कि अभी बाइक राइडर का हमारा इस वीक में या नेक्स्ट वीक नहीं होगा, इसी वीक में हो जाएगा, इस वीक में हमारा ग्रुप पूरा उतर रहा है, ठीक है, तो मैं खुद आऊँगा। इसी तरह टैक्सी का हमारा ग्रुप ही उतरेगा, 25-25 बंदों का हमने बैच बनाना है, 200 बंदों की हायरिंग है ये, जिसमें से कुछ हमने पाकिस्तान से उतारने हैं, कुछ इंडिया से उतारने। तो इसमें क्या होगा कि एयरपोर्ट पर रिसीव हमने किया, एयरपोर्ट पर रिसीव करने के बाद कंपनी पहले क्या था कि आते ही रूम दे देती थी, अब ऐसा नहीं है। अपने ही पंजाबी बंदों ने, हरियाणा के और पंजाबी बंदों ने, इंडियन पंजाबियों ने सीन क्या किया था भाई, मेरे खुद के लड़कों ने कर दिया था कि, है ना, जब कंपनी एयरपोर्ट पर उतरते रूम दे देती थी क्या सीन होता था कि वो बेफिक्र हो जाते थे और दारू की गंदी आदत, रात को दारू पी आपस में लड़ पड़े, हंगामा कर देना दूसरे रूम में, उसी रूम में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो दारू नहीं पीते तो उनके साथ पंगे कर देने। तो इस वजह से कंपनी को कई बार वार्निंग मिल, लड़कों को वार्निंग भी मिली और फिर कंपनी को भी वार्निंग दी गई उनके लोकल की तरफ से। तो अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी बोलती है भाई बंदा आया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, हम वीजा देंगे, जैसे ही वीजा आएगा तब हम रूम देंगे, उससे पहले आपका रहना अपना खुद लड़कों का, देखो या लड़के देखें आप देखें। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है भाई, क्योंकि लड़के को क्या है ना कि आप दूसरे स्टेट में भी चले जाएं तो दूसरे स्टेट में भी आपको नहीं पता कि दूसरी गली में रूम कहाँ कितने का है, रूम का इंतजाम हमारी तरफ से होगा। इस पैकेज में 1 मंथ का रूम हम दे रहे हैं, 1 मंथ का रूम इसलिए दे रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर जो वो 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, ताकि लड़का धक्के ना खाए और प्रॉब्लम ना आए उसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 मंथ का रूम की जिम्मेदारी हमारी होगी और उसके अंदर आपका जैसे वीजा लगेगा आप कंपनी में चले जाएंगे, और कंपनी में जाने के बाद आपको 300 से 400 दिरहम तक का कैश पेमेंट मिलेगा खाने के लिए और कंपनी की तरफ से रूम मिलेगा। मैंने पुरानी वीडियो में रूम के लोग दिखाई हुई है कि किस तरह की कंपनी होती है किस तरह का, क्योंकि बार बार मैं कंपनी के अंदर रूम की और ये अंदर की चीज़ें नहीं बना सकता क्योंकि पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया था, 2-3 बार प्राइवेट करनी पड़ी थी वीडियो, लेकिन क्या करें अपनी गंदी आदत, साले कब तक प्राइवेट कराओगे, फिर पब्लिश कर दी थी मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि कंपनी अपने अंदर की वीडियो नहीं बनाने देती, वीडियो
कंपनी के अंदर की। तो उसमें हमने रूम दिखा रखे, एक रूम के अंदर 6 लोग होते हैं, अटैच वॉशरूम होता है, किचन भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो 300 दिरहम आपको मिलता है। तो लड़के क्या करते हैं भाई, आपका क्वेश्चन करेंगे 300 में क्या भाई हमारा खाने का चल जाएगा भाई, टिफिन बुक हो जाता है 300-350 में 2 टाइम का पूरे महीने का। लेकिन उसमें भी लड़के क्या करते हैं, एक रूम के अंदर 6 लड़के हैं तो वो क्या करते हैं 150-150 दिरहम डालते हैं, पूरे महीने का राशन ले आते हैं। तो उसमें से भी 100-150 बच जाता है, 100-150, क्योंकि खा भाई अपने और भी शौक है, तम्बाकू गुटखा पानी कोल्ड ड्रिंक ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चौथा क्वेश्चन बनता है जी, जब तक लाइसेंस नहीं बनता क्या हम काम कर सकते हैं, कंपनी काम नहीं करने देती, क्योंकि कंपनी बोलते भाई जब हम आपको रहने का दे रहे हैं, खाने का खर्चा दे रहे हैं, तो फिर हम आपको काम नहीं करने देंगे। अगर आपको काम करना है फिर ये चीजें फैसिलिटी ना लो। वो कहते हैं कि भाई रहने का हम दे रहे हैं, खाने का हम दे रहे हैं, सिर्फ आपका काम है रूम पे रहना, अपने क्लासेस पूरी करनी टाइम से, आपने वो ध्यान देगा, क्योंकि क्या वहां पे क्लासेस चल रहे होते हैं, मैंने दिखाई भी है वीडियोस में क्लासेस, कि एक सुपरवाइजर होता है वो आपको पूरा चार्ट देता है लोकेशन के हिसाब से, और उस लोकेशन में उस क्लासेस में ये सिखाया जाता है कि भाई हाँ उस कस्टमर बोलता है मुझे उस एरिया में जाना, तो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि उस एरिया में वो बिल्डिंग का नाम कहाँ है, वो बिल्डिंग कहाँ पे, और उस बिल्डिंग के नियर क्या लगता है। जैसे कि अभी टैक्सी वाले को मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे अलकाबैल डिस्काउंट सेंटर जाना है, या फिर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अलबकित सेंटर जाना है अलकाबैल के पास, तो उसको पता होता है भाई अलबकित सेंटर अलकाबैल के पास है, सीधा यहीं आना है। मुरक्काबाद बोलता भाई मुझे मुरक्काबाद एरिया में जाना, वो कहेगा मुरक्काबाद एरिया में कौन सी बिल्डिंग। तो आपको वो चीज़ें याद कराई जाती हैं बिल्डिंगों के नाम तक, कि भाई वो बिल्डिंग उस मोड पे है ये है, फिर आपको गाड़ी देके वहीं पे अंदर बिल्डिंग में टैक्सी कंपनी में आपको ट्रेनिंग अलग से दी जाती है, क्योंकि जब आप क्लासेस देने जाए ड्राइविंग स्कूल में तो फर्स्ट ट्रायल में सेकंड ट्रायल में पास हो जाए। लड़कों का पांचवा क्वेश्चन था कि जी अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं, दो बार फेल हो जाते हैं, क्या गारंटी है हमारा लाइसेंस मिलेगा। भाई कंपनी बेवकूफ नहीं है, आपको वीजा दे रही है, आपके फाइल ओपन करा रही है, आपको 3 चांस कंपनी देती है फाइनल में, फाइनल तक कि भाई तीन फाइनल में आ गए आप, एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, इतने तो नालायक नहीं हो भाई कि हर बार फेल होते रहोगे। फर्स्ट टाइम में ज्यादातर 80% फेल हो जाते हैं, चलो हो गए, दूसरी बार आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट टाइम में हम क्यों फेल हुए थे, दूसरी बार भी चलो 10% लड़के फेल हो गए, तीसरी में तो निकाल ही लेता है, और तीसरे में फेल हो जाता है भाई फिर जिम्मेदारी और पेनल्टी तुम्हारी है। चौथी बार जो क्लास होगी और जो उसकी फीस लगती है 200 से 400, वो आपकी सैलरी से पहले सैलरी में आपके उसमें जुड़ जाएगी। अब कर देते हैं भाई खर्चे की बात, 1 लाख में बात बना लें इंडिया के अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, चलो उससे भी कम कर देते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ आपको 50,000 देना है इंडिया का, उसमें वीजा टिकट और यहां तक आने की बहुत सी चीजें होती हैं, 1 मंथ का रूम, ये सब चीजें उसमें मैनेज होंगी। डॉक्यूमेंट्स के साथ 50 दे दिए, दुबई आके आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, मेरी टीम को मैसेज कर लेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है ना कि अब बोल दो कि भाई विजय भाई आपने वीडियो में नहीं बताया पैकेज, क्यों नहीं बता रहे, क्या कुछ छुपाना चाह रहे हैं भाई, आप नहीं है हमारे साथ, एजेंट भी काम कर रहे हैं मार्केट में, एजेंसियां भी काम कर रही है, मैन पावर कंपनी है पाकिस्तान में हमारे साथ जुड़ के इस बिजनेस इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगी, तो मैं उनके पेट पर लात नहीं मारना चाहता। हाँ मेरा पैकेज थोड़ा कम है, लेकिन उनके थोड़े हमसे पैकेज ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने हमें उतना ही देना है, अगलों के भी तो बाल बच्चे हैं भाई, उन्होंने भी पेट पालना, उन्होंने भी अपने ऑफिस का रेंट देना, उनको भी एजेंसी चार्ज देना होता है, उन्होंने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट की होती है, जिस तरह हमने टैक्सी कंपनी में सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्राइस ओपन नहीं कर सकते आप, स्पेशली टीम को मैसेज करके पैकेज ले लीजिएगा, बहुत सही है। सैलरी से जो आपका कटेगा 2,500, इतना बता देता हूँ कि सैलरी जो आपका कटेगा वो 2,500 से 3,000, चलो 3 छोड़ो 2,500 कर लेते हैं, 2,500 दिरहम आपका सैलरी से कटेगा 500-500 करके, ठीक है, और अमाउंट आपने पे करना है, ये कोई 20,000, 15,000, 14,000, 12,000 का पैकेज नहीं है, 7-8,000 में सारा खत्म कर देना मेरा द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 का खर्चा है। और अब दूसरे बात है भाई, ये तो बहुत महंगा है भाई, इंटरनेशनल लाइसेंस आपको चाहिए, वीज़ा आपको चाहिए, 8,000 भी महंगा है भाई, वीज़ा की फीस इस टाइम 7,000 प्लस की है, अगर कंपनी किसी को वीज़ा देती है उसमें आपको लाइसेंस भी मिल रहा है। अब कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत से होशियार बंदे आएंगे कि भाई लाइसेंस का पैसा हम क्यों लगाएं, वीजा तो फ्री होता है, बड़े ज्ञान देने वाले भी होते हैं, ना लगाओ भाई, आप खुद का अपना लाइसेंस बनवा लो। अगर आप पर्सनली आके अपना वीजा अपना लाइसेंस का प्रोसेस कराते हैं, पहले तो आपको आजाद वीजा चाहिए होगा, आजाद वीजा आपको पड़ेगा 8,000 प्लस का, अभी तो और महंगे हो गए क्योंकि लेबर फीस बढ़ गई है।
उसके बाद जब आप है ना लमसम का पैकेज लेने जाओगे ना किसी टैक्सी सॉरी किसी ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग स्कूल में, तो 8,000 प्लस का लाइसेंस फीस है, लमसम का 8,500 रुपये है, ठीक है। और 3 महीने 4 महीने खींच देते हैं, तो 3-4-8 चलो मोटा मोटा लगा लेते हैं 8,000 का आपका आजाद वीजा हो गया, कहीं मिल गया सस्ता सा मेरे जैसे भाई से, ठीक है। उसके बाद 8,500 का आपका चलो वो भी 8,000 लगा लो, 8,500 छोड़ दो, 8,000 का लमसम का पैकेज ले लिया, 16,000 तो मोटा मोटा ये हो गया। उसके बाद ड्राइविंग स्कूल वाले तो रहने खाने का खर्चा नहीं उठाएंगे, 3 महीने का रहने खाने का खर्चा लगा लो, मोटा मोटा लगा लेते हैं 350 का बेड स्पेस, कोई अच्छा सा एरिया भाई कहीं ऐसे में ले लिया कि अच्छे एरिया में जाओगे तो 500 से कम का नहीं मिलना है अपने वीआईपी तौर पे, ठीक है। चलो 350 लगा लिया, 300 का खाना लगा लिया, 600 महीने का ये हो गया। 600 में सिर्फ रहने और खाने से तो काम नहीं चलना, बंदे ने कपड़े भी होते हैं और भी चीजें होती हैं अपने खाने घूमने फिरने की और चीजें, रोज का 20-25 दिरहम का 30 दिरहम का खर्चा हो जाता है, वही चीज आपकी 20,000 से कम की नहीं पड़ती। और 20,000 की जो चीज है वो आपको अगर 8,000 में उसमें भी 2,500 की ईएमआई बन रही है और इंडिया से लेकर यहां तक के उसी पैकेज में सारे काम चल रहे हैं, रहना भी मिल रहा है, माड़ा है भाई, माड़ा है नहीं है नी, क्या बात कहो बोलो हाँ ठीक है। ये चीज हो गई, अब कर लेते हैं आगे की यूरोप की बात। बहुत से लोगों को दुबई का रास्ता सिर्फ इसलिए पकड़ते हैं कि भाई चलो यूरोप में डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो उसमें क्या सीन होता है कि लोगों के चांसेस ये होते हैं कि बहुत से लड़के ऐसा करते भी हैं कि भाई चलो दुबई जाते हैं, वीजा ले लेते हैं, लाइसेंस बन जाता है, सस्ते के सस्ते में लाइसेंस का ऑफर है ये, ठीक है। लाइसेंस बन गया, साल भर का एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि यहां पे कोई एक्सपीरियंस लेटर बना के किसी ने नहीं देना, जो पासपोर्ट पे वीजा लगता है ना वो एक्सपीरियंस है आपका। फिर यहां लाइसेंस बनवाने के बाद और ये एक्सपीरियंस लेने के बाद, उसके बाद आप अपनी फाइल लगा सकते हैं यूरोप कंट्रियों में एम्प्लॉयमेंट की। आजकल कनाडा ने और यूरोप में काफी कंट्रियां जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट खोले हुए हैं ड्राइवरों के लिए, तो जब आप ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ और स्टेटमेंट और अपना ये लाइसेंस लगाते हैं तो आसानी से वीजा मिल जाता है। और जो इंडिया के अंदर आप 20-20 लाख 15-15 लाख लेके जेब में घूम रहे होते हैं ना, उससे अच्छे बजट में आपको मेरे ख्याल से इंडिया के यहाँ के दराम में भी लगाएं तो सारा घुमा फिरा के एम्बेसी फी सारी चीजें मिला के 4-5 हजार का काम बन जाता है, यानी कि इंडिया के 1 लाख में। मेरे खुद के एक्सपीरियंस वाले काफी लड़के हैं, इंटरव्यू डालूंगा मैं उनका, जिन्होंने यहाँ आने के बाद वीजा लिया, ट्रक का लाइसेंस बनवाया, टैक्सी का लाइसेंस बनवाया और यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया 2 साल का, उसके बाद यूरोप के लिए फाइल लगाई और सक्सेस हुए। 100% नहीं कहता मैं, 90% चांस होते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो अच्छा है और परफेक्ट है, ऑफर भी है और करियर बनाने का भी है, शॉर्टकट मारने से जब थोड़ा सा लोन ले लो भाई, भले 2 साल लग जाएंगे लेकिन कामयाब है बंदा। और यहाँ पे भाई क्या ना कि एक ड्राइविंग लाइन ऐसी है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, यूरोप हो, किसी भी जगह हो, ड्राइविंग लाइन में जितना रोड पर भागोगे उतना पैसा है। सारे क्वेश्चन क्लियर, एज हो गई, पैकेज के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा दिया, हिंट दे दिया मैंने, और कंपनी से पूछो आप, टीम से पूछ सकते हो, मतलब कि 8-8.5 हजार में सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद कहाँ कौन रिसीव करेगा, कौन रूम देगा, 1 मंथ का रूम हम देंगे, उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको कितना मिलेगा, ठीक है, बेसिक सैलरी क्यों इतनी है और कमीशन कितना है और कमीशन के साथ आगे का फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप पर्सनली होशियार बन के, या कुछ लोग होशियार होते हैं, होशियार बंदों के लिए कह दूँगा, अगर वो पर्सनली आते हैं तो उनका कितना खर्चा पड़ना है और ये कितना में डिफरेंट देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो वेलकम है आपका ताबड़तोड़ बुकिंग के साथ, ताबड़तोड़ उसी माहौल के साथ। रही बात, बहुत से लोगों को एक था कि विजय भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है फिर क्या, हाँ मैं ना, अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, काम नहीं बनता है तो पेमेंट रिफंड है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप मेरी जिम्मेदारी पे यहाँ तक आए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको आपके घर तक सही सलामत भेजना। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और बाइक राइडर तो चल ही रहा है, बाइक राइडर की हायरिंग चल रही है, नेक्स्ट वीक तक अच्छे से फेस जो सोने सोने प्यारे प्यारे मम्मी डैडी वाले बच्चे हैं जिन्होंने आगे मेहनत करनी है उनके साथ वीडियो बनेगी, दुआ में याद रखिएगा।